एवरीवन, वेलकम टू डीएनए। मैं हूं शशांक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है विशाखापट्टनम में, उसके तीसरे दिन के गेम में क्या क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले बात करें जिस तरह से गेम आज का दिन स्टार्ट हुआ है कि 28-0 था। हमने कल ही बताया था दोनों बैट्समैन रोहित शर्मा और जायसवाल सेट थे, लेकिन आज सुबह झटका लगा। जिमी एंडरसन ने पहले रोहित शर्मा को बोल्ड किया और उसके बाद यशस्वी जायसवाल को स्लिप पे कैच आउट करवाया। सबसे पहले हमने बताया कि शुभमन गिल की हमने पहले इनिंग में बात करी थी कि जिस तरह से कॉन्फिडेंट लग रहे थे और उनका जो विकेट था वो वैसा विकेट नहीं था जैसे और इंडियन बैट्समैन विकेट अपनी थ्रो करके आउट हुए थे। वो जो फॉर्म थी, वो जो इंटेंट था, वो शुभमन गिल ने कैरी किया सेकेंड इनिंग में भी। एंड द बिग स्लैप टू हिज हिटर्स, शुभमन गिल हैज स्कोर्ड हिज थर्ड टेस्ट सेंचुरी। देखिए, खराब फेज चल रहा था शुभमन गिल का, हर फॉर्मेट में रन नहीं लग रहे थे, लेकिन अब टेस्ट मैच में कमबैक हो गया है, शतक लग गया है और बहुत अच्छे टाइम पे वो शतक आया है। क्योंकि इंडियन टीम भले ही पहले इनिंग में 396 के आसपास रन लगा के सिमटी थी और दूसरी इनिंग में इंग्लैंड को 255 के आसपास में आउट किया था, एक लीड थी, लेकिन पहले मैच में हमने वो झटका खाया कि 400 रन इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग में बनाए। तो ज़रूरी था एक बैट्समैन खड़ा होकर वो भार अपने कंधों पर उठाया और शुभमन गिल ने वो चीज़ दिखाई कि क्यों उन्हें कहा जा रहा है प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट। खराब दौर से गुजरने के बावजूद शुभमन गिल ने वो शतक लगा दिया और कमबैक हो गया है। गिल की इनिंग की बात करें, 104 रन 147 बॉलों पे 11 चौके 2 छक्के 70 का स्ट्राइक रेट और अच्छा साथ दिया और पूरी इनिंग को लगभग हम ये कह सकते हैं कि कैरी किया है। अगर बात करें इंडिया के जो 255 रन लगे उसमें किस किस का सहयोग था, तो देखिए शुभमन गिल की हमने बात करी, 104 रन, अय्यर 39, अक्षर पटेल 45 और अश्विन 29। इसके बावजूद कोई भी और बैट्समैन की तरफ से साथ मिला नहीं और 255 में भारत की पारी ढेर हो गई। इंग्लैंड को 400 रन से कम का टारगेट मिला था, लेकिन वही वापस उनके जो ओपनर थे डकेट और जैक क्रॉली दोनों ने वापस अच्छा स्टार्ट दिया। डकेट ने एक और तूफानी स्टार्ट देने का ट्राई किया, 27 बॉल पे 28 रन, अश्विन के हाथों आउट हुए, 103 का स्ट्राइक रेट, 6 चौके लगा चुके थे। जैक क्रॉली अभी भी नॉट आउट खेल रहे हैं, 29 रन पे 50 बॉलों का सामना कर चुके हैं। साथ देने आए हैं रेहान अहमद जो नाइट वॉचमैन बन के आए थे, 8 बॉल पे 9 रन 2 चौके उन्होंने भी लगा दिए हैं। अगर बात करें इंडियन बॉलिंग की जो लास्ट इनिंग में हुई है, अभी तक 5 ओवर में बुमराह ने मात्र 9 रन दिए हैं, एक मेडन ओवर है 1.8 का इकोनॉमी। मुकेश कुमार 2 ओवर में 19 रन, बहुत महंगे साबित हुए। कुलदीप यादव 4 ओवर में 21 रन, 5 से ऊपर का इकोनॉमी कुलदीप का भी है। अश्विन ने 2 ओवर में 8 रन दिए, 4 का इकोनॉमी। एक विकेट जो मिली डकैत की वो अश्विन को ही मिली और अक्षर पटेल 1 ओवर 10 रन। देखिए, अब भारत सबसे पहली बात अगर हम करें कि कल क्या कर सकता है, कल सबसे पहले रोहित शर्मा को अपने टैक्टिक्स चेंज करने पड़ेंगे। हमने अभी तक देखा है टेस्ट मैच में दोनों में ही कि रिएक्टिव कैप्टेंसी कर रहे हैं रोहित शर्मा, उनको प्रोएक्टिव कैप्टेंसी करनी पड़ेगी। आज के गेम के स्टार्टिंग में जब पता था कि मात्र 14 ओवर बचे हैं और यहाँ पे एक दो विकेट बड़ी चीज है, वहां पे बुमराह के साथ आप अक्षर पटेल को भी स्टार्ट करवा सकते थे, क्योंकि डकेट को, मुकेश कुमार को खेलने में थोड़ी दिक्कत नहीं हो रही थी, अच्छे से वो कट मार रहे थे। हमने देखा आज भी जो भी मुकेश की बाहर की बॉलें उस पर कट लग रहे थे और डकेट बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं जा रहे थे। वहां पे डकेट के सामने आप बुमराह को लाते, क्रॉली के सामने आप अक्षर पटेल को लाते, कहीं ना कहीं ये स्कोर वहां पे चेंज हो सकता था। हमने लास्ट में देखा जिस तरह से एक एज लगा और एक स्लिप खड़े थे रोहित शर्मा, दूसरे स्लिप से वो कैच छिटक गया, दूसरे स्लिप पे कोई था नहीं और वो कैच वहां से निकल गया। तो लास्ट डे है, लास्ट 3-4 ओवर बचे हैं, वहां पे थोड़ी अटैकिंग कैप्टेंसी जो आज कर सकते थे रोहित शर्मा को, वो कल जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एज अ बैट्समैन अभी तक दोनों टेस्ट मैचेस में रोहित शर्मा कुछ भी जलवा नहीं दिखा पाए। ये थे तीसरे दिन के हाइलाइट्स और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए डीएनए।